नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मैं हूं सचिन वर्मा। देश के अंदर पिछले कुछ समय पहले भारत माता की जय के नारे को लेकर काफी बवाल हो चुका है, जहां ओवैसी जैसे लोगों ने कहा कि अगर कोई उनके गर्दन पर छुरी रखकर भी भारत माता की जय बुलवाएगा तो वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। संसद में इसका बखूबी जवाब दिया था जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर ने उन्हें सिर्फ एक मोहल्ले का नेता बताया था और संविधान का जिक्र किया था। वहीं भारत माता की जय न बोलने को लेकर बहुत से मुस्लिम कुरान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह की जय बोल सकते हैं और किसी की नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही देशभक्त मुस्लिम से मिलवाने जा रहे हैं जो भारत माता की जय के नारे लगाते हुआ दिखाई देगा, और वो भी एक भरी हुई भीड़ में। आप खुद ही सुनिए कैसे ये मुस्लिम युवक बीजेपी की एक सभा में हरियाणा सरकार के मंत्री की मौजूदगी में भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। इतना काम, जब भी कोई काम की जरूरत पड़ती है फोन करते हैं मंत्री साहब, तुरंत करते हैं। आज तक मैंने ऐसे सोचा नहीं, और आगे भी इस हरियाणा सरकार के साथ बखूबी आशीर्वाद के काम करता रहूंगा और युवा के साथ भी जुड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, हरियाणा सरकार की, करण देव साहब की, भारत माता की, भारत माता की, हरियाणा सरकार की, करण देव साहब की। इस सभा में हरियाणा सरकार के मंत्री भी मौजूद थे और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के विधायक भी, जहां इस मुस्लिम युवक ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए। आपको बता दें कि हाल ही में इस युवक ने बीजेपी का दामन थामा है और पार्टी में आते ही ये सब कुछ भूलकर देशभक्ति में मग्न हो गया। इस युवक द्वारा भारत माता की जय बोलना उन लोगों को करारा जवाब है जो धर्म की आड़ में राजनीति के लिए इतने स्वार्थी हो गए हैं कि फिर देशभक्ति भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन बाकी और अधिक खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।